After years tolerating verbal abuse and mockeries in social media and other platforms, Rashtriya Swayamsevak Sangha (RSS) decides to change their wearing from khaki half pants to full pants. This in a bid to modernize their cadres, as RSS Shivaks are reportedly shunning the uniform for the fear of being teased about them. Even the nickname Chaddy, given by their opponents, which means half pant or underwear, already took place in the urban dictionary over the years. इसकी तरफ से statement आया कि ISIS और RSS दोनों एक ही विचारधारा के समाज को बांटते हैं, जबकि आप क्या कहते हैं? इसमें एक बड़ी वेदना लगती है कि जिनके नाम से निवेदन आया, मैंने तो सुना नहीं है, पर जिनके नाम से समाचार पत्रों में आया है, उनके जानकारी का स्तर देखकर ही हमको बड़ी पीड़ा होती है कि इतना शीर्षस्थ व्यक्ति कोई और ऐसी बातें कहे, तो वो अज्ञान है या राजनीति है मैं नहीं जानता हूँ, परंतु उस विधान को देखकर उन्होंने एक तरह से अपना अज्ञान ही प्रकट किया है, ऐसा मैं मानता हूँ। सर, ये आपने खुद कहा कि पिछले एक वर्षों में संघ की शाखाएं बहुत तेजी से बढ़ी हैं, तो क्या मोदी सरकार का हिंदुत्ववादी एजेंडा इसकी वजह रहा, या सरकार और आरएसएस का कोई बहुत अच्छा सामंजस्य रहा? कि संघ का काम बनना और शासन के साथ सामंजस्य लगना, ये दो अलग बातें हैं। मैंने जैसे कहा कि लगातार हमारी 2010 के बाद मोदी जी तो सत्ता में आए 14 के मई में, मैं 10 से आपको आंकड़े बता सकता हूँ कि 2010 से लगातार एक वृद्धि है, और वह इस गत वर्ष में, अगर गत 3 वर्षों में मैं बता रहा हूँ, 2012 से 15 के बीच ये जो 3 साल का पीरियड था, उस समय कोई सरकार में परिवर्तन तो बाद में आया, परंतु उस कालखंड में ही हम लगभग 10,500 शाखाओं की संख्या में बढ़े थे, और 15-16 इस वर्ष में हमारे लिए भी बड़ा आश्चर्यजनक रहा कि 5,500 गांव इन्हीं एक वर्ष में बढ़ गए हैं। तो मैं समझता हूँ कि एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, इसका कोई सत्ता परिवर्तन से कोई संबंध नहीं है, और बाकी रहा जो सामंजस्य का विषय है, तो वो तो सरकार से मिलते रहते हैं, हम लोग बातचीत करते रहते हैं, विचारों का आदान प्रदान करते रहते हैं। एक बात और बता दूं कि कंटिन्यूस प्रोसेस मैंने कहा, तो हमारी ट्रेनिंग लेने वालों की संख्या प्रतिवर्ष बढ़ती है, जो एक 20 दिन का ट्रेनिंग होता है, अब लगभग गत वर्ष में 16,000 लोगों ने ट्रेनिंग लिया है, वो उसके पहले की तुलना में 3,000 ज्यादा है, तो एक युवा वर्ग आ रहा है, तो इसकी भी एक बड़ी अच्छी एक बात है। हमारा एक प्राइमरी ट्रेनिंग होता है 7 दिन का, आपको भी आश्चर्य लगेगा कि गत वर्ष 15-16 के बीच 1,14,000 लोगों ने ट्रेनिंग ली है, और लास्ट ईयर 14-15 में 80,000 थे। अब 80,000 से हम इस वर्ष में 15-16 में हम 1,14,000 तक लगभग 35,000 की संख्या बढ़ी है। संघ काम के लिए एक हमारे यहाँ पर एक अपील रहता है कि घर छोड़कर जाइए, तो इसका भी एक अनुभव बड़ा अच्छा रहा, और लगभग एक 12,000 कार्यकर्ता अपना घर छोड़कर, हमने जहाँ योजना बनाई वहाँ पर काम करने के लिए गए, ये संख्या भी लगभग 15,000 है, 14,500। मैं समझता हूँ कि ये सारे जो बातें हैं वो किसी एक कोई छोटे मोटे परिवर्तन से नहीं आती है, एक कंटिन्यूस प्रोसेस है इसका परिणाम है। सर, इस बार गणवेश को बदलने की बात हो रही थी कि कुछ चेंजेस आएंगे, बहुत चर्चा थी, कुछ डेवलपमेंट हुआ सर? बस आप लोगों की भी इच्छा होगी ना, बदलना चाहिए थी तो हमने बदल दिया है। देखिए, हम हमेशा ही काल के अनुसार चलने वाले लोग हैं, कोई रिजिड नहीं है, कोई भी जड़वादी संगठन इतनी प्रगति नहीं कर सकता है, तो ये हमारा संगठन जड़वादी नहीं, और इसलिए हम काल की पहचानते हैं, काल को समझने वाले लोग हैं, और इसलिए कई बातों में हमने समय समय पर परिवर्तन किया है, परंतु इस बार एकदम ध्यान में आएगा ऐसा एक मेजर परिवर्तन आया है कि जो ध्यान में आता है, हमने परिवर्तन तो छोटे छोटे हमेशा होते रहते हैं, तो हमने इस बार खाकी शॉर्ट, जिसको खाकी हाफ पैंट कह सकते हैं,
उसकी जगह पर एक ब्राउन कलर की फुल पैंट को हमने अपने गणवेश का हिस्सा बनाया है। तो एक खाकी नहीं, ब्राउन कलर की है। अब सामान्य जीवन में आप फुल पैंट चलती है तो हम इसको स्वीकार किए, हम समाज के साथ चलने वाले लोग हैं, कोई हमें कोई संकोच नहीं उसमें। आने वाले चुनाव खाकी क्यों छोड़ा, ब्राउन क्यों चुना? अगर मैं इसको सफेद लेता तो भी ये प्रश्न आ सकता था, मैं अगर काली पैंट लेता तो भी ये प्रश्न आ सकता था, तो कोई कलर चुनने का कोई कारण नहीं है। हाँ, अगर भगवा चुनते तो शायद आपके प्रश्न को कुछ अर्थ होता कि आपने भगवा क्यों चुना है, तो मैं बताता कुछ, पर ऐसा है, इस प्रकार की कोई विशेष कारण कुछ नहीं। एक रंग बदलना है, एक शेप बदलना है, तो हमने बदला है, बाकी उसमें कोई साइंटिफिक विचार किया है वगैरह ऐसा मानने की आवश्यकता नहीं। अच्छा दिखता है, शब्द रूप उपलब्ध हो सकता है, सोच कर लिया है। सर, दो सवाल मेरी तरफ से। सर, सामाजिक समरसता को लेकर सामाजिक असमरसता पर कई जगह जातिगत संघर्ष हुए हैं, जिसमें ज्यादातर संघर्ष हरियाणा हो, गुजरात हो, वो आरक्षण को लेकर। इस विषय पर एक दो संकेत की संघ की तरफ से आए, खासकर हरियाणा चुनाव में जो संघर्ष हुआ उसके बाद एक स्टेटमेंट दिया है कमेटी को। इस विषय पर क्या समझ चाहता है कि सरकार एक तरह से देखे कि कैसे इस संघर्ष को निपटा जाए आने वाले दिनों में, और रिजर्वेशन पर लेकर खासकर आप लोग क्या सोचते हैं? याजु जोशी को आप सुन रहे हैं, और इस बीच आपको बड़ी खबर ये बता दें, एक बड़ी खबर ये आ रही है, बड़ा बदलाव हुआ है, खाकी निकर की जगह अब ब्राउन कलर की फुल पैंट ने ले लिया है। आरएसएस के 91 साल के सफर की बात की जाए तो इस दौरान खाकी निकर संघ के कार्यकर्ताओं की एक पहचान थी एक लिहाज से, जो अब बदल गई है। आरक्षण की बात कही थी तो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के बंधु कई कारणों से पिछड़ गए थे, उनके लिए आरक्षण की बात थी, वो न्याय उचित है, उसको हम तो न्याय उचित मानते हैं। और देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा, बहुत बड़ा समाज का वर्ग इस आरक्षण की व्यवस्था से लाभान्वित हुआ है। आज हम देखेंगे तो अनुसूचित जाति के, इसको हम दलित कहते हैं, हरिजन कहते हैं, वहाँ के युवकों का शिक्षा का स्तर काफ़ी बड़ा है। अब ये कोई नहीं कह सकता कि कम प्रतिशत वाले और आगे बढ़ रहे हैं, ऐसी स्थिति अब नहीं रही, प्रारंभिक अवस्था में रही होगी, आज ऐसी स्थिति नहीं है। अगर हम उनके प्रवेश का अंतिम छात्र का प्रतिशत देख लेंगे तो हमको भी आश्चर्य लगता है, 80%, 85% तक पहुंच गए। तो ये आरक्षण की व्यवस्था उस दृष्टिकोण को रखकर दी गई थी। मैं समझता हूँ कि उस भावना को समझकर मांगने वालों ने आरक्षण की मांग उठानी चाहिए, और समाज का जब संपन्न वर्ग भी आरक्षण की मांग करता है तो एक लगता है कि एक सही दिशा में सोच नहीं है, ऐसा हम मानते हैं। जो संपन्न है जिन्होंने तो अधिकार छोड़ने चाहिए, समाज के दुर्बल वर्ग की सहायता करनी चाहिए, उसके स्थान पर अपने लिए आरक्षण मांगना, मैं समझता हूँ कि अंबेडकर जी के संविधान के द्वारा दिए हुए जो अधिकार है उसके संदर्भ में सोच की कमी है, ऐसा मैं मानता हूँ। आप संस्कृति विकास बढ़ाने की बात करते हैं, सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा देने की बात करते हैं, कार्यक्रम के आयोजन की भी बात करते हैं, लेकिन श्री श्री रविशंकर जी ने दिल्ली में एक प्रोग्राम किया था और उस प्रोग्राम को अनुमति तक नहीं दी गई, 5 करोड़ का जुर्माना लगा दिया गया, किस तरह से देखिए इसके कई प्रकार के पहलू हो सकते हैं। हो सकता है कि कुछ पर्यावरण को लेकर, प्रदूषण को समस्या को लेकर कुछ कमियां रही होगी, सरकार ने उनको सचेत कर किया है, करना भी चाहिए, परंतु इस प्रकार के एक विशाल आयोजन को, एक समाज के गरिमामय कार्यक्रम को भी उसी दृष्टि से देखकर उसमें से मार्ग निकालना चाहिए, ये हमारी भूमिका रहती है। केवल कानून बताकर अगर दंडित करते रहेंगे तो समाज जीवन में परिवर्तन लाने वाली ऐसी जो व्यवस्थाएं हैं वो व्यवस्थाएं दुर्बल होती जाती है। मैं ये मानता हूँ कि अगर इतने बड़े आयोजन से वहाँ पर प्रदूषण की समस्या रही होगी तो प्रदूषण के नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए, फिर वो कोई भी हो, कोई भी संस्था हो, कोई भी व्यक्ति हो, उन्हें करना चाहिए।
लेकिन इसके साथ साथ उस आयोजन की गरिमा भी बनी रहे, इसका भी सब लोगों ने ध्यान रखने की आवश्यकता है, समझे। जेएनयू में इस तरह का घटनाक्रम हुआ, आप लोगों ने जरा जोर से बोलिए या माइक का उपयोग कीजिए। देखिए, जेएनयू की घटना है इस देश के सभी देशभक्त नागरिकों के लिए चिंता का विषय है कि विश्वविद्यालय के परिसर में जिन्होंने देश के सर्वोच्च संस्था लोकसभा पर हमला करने वाले व्यक्ति को लेकर उनके प्रति श्रद्धा सम्मान का भाव प्रकट करने का कार्यक्रम कोई आयोजित करता है तो उस क्या उस मानसिकता को हम क्या मानेंगे। देश के टुकड़े करने की बात जहां नारे लगाए जाते हैं, ऐसे समूह जिसका उसका नेतृत्व करने वालों को हम क्या कहें। कानून कानून का काम करेगा, गिरफ्तारी हुई, अब हो सकता है कोई कहे कि इन्होंने नारे नहीं लगाए, कानून के दायरे से शायद बाहर आ सकते हैं, मालूम नहीं आएंगे कि नहीं। लेकिन सोचना ये चाहिए कि इस प्रकार के वातावरण को पनपने किसने दिया है, का पोषण किसने किया है, और ऐसे विश्वविद्यालय के परिसर अगर ऐसे देश विरोधी गतिविधियों के केंद्र बनते हैं तो ये मैं समझता हूं कि समाज के प्रबुद्ध वर्ग को एक सोचने का चिंता का विषय बनना चाहिए, न कि राजनीति का विषय। ये कोई राजनीति का विषय कैसे बन सकता है? सत्ता में कोई भी दल बैठेगा क्या कश्मीर के बारे में समझौता कर सकते हैं? सत्ता में कोई भी बैठेगा क्या हम अपने पड़ोसी देशों के संदर्भ में क्या हम अपनी भूमिका बदल सकते हैं? तो देश के हित का विचार, देश की सुरक्षा का विचार, देश की अखंडता का विचार करने वाला विचार ही यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ माना जाना चाहिए और उसी के समर्थन में सारे समाज ने खड़े होना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार की प्रतिक्रियाएं इस घटना के बाद दिल्ली में अथवा अन्य स्थानों पर जो प्रतिक्रियाएं दिखाई दी है वो बहुत उल्लेखनीय है, स्वागत योग्य है। मैं समझता हूँ कि समाज मन आज भी उस दृष्टि से जागरूक है, यह अपने लिए एक समाधान की बात है। अरे भाई सारे प्रश्न आप पूछ रहे, जरा यहाँ भी बोलने दीजिए ना। विषय है महिलाओं के टेंपल एंट्री लेके एक मंदिर के अंदर, उसमें आपका क्या वो है? हमारी इसमें बहुत स्पष्ट भूमिका है, भारत में मंदिरों के प्रवेशों को लेकर महिलाओं के प्रवेशों का, हजारों मंदिरों में महिलाएं प्रवेश करती हैं, जाती रहती है। अगर किसी की कोई गलत धारणाओं के कारण अगर कोई एक दो चार स्थान ऐसे होते हैं तो उसका संदर्भ समाज के लोगों के कुछ मानसिक कुंठा में है, इसको ध्यान में लेकर उस मानसिकता को दूर करने की ठीक करने की आवश्यकता है। अगर मंदिर का प्रबंधन उसमें अगर कहीं अलग प्रकार का विचार करता है, समझाने की आवश्यकता है। ऐसे प्रश्न संवेदनशील होते हैं, ऐसे प्रश्नों का हल उग्र आंदोलनों से नहीं, समझदारी से, संवाद से, चर्चा से, आपस के विचार विमर्श से इसका हल निकलना चाहिए, ऐसा मानने वालों में से हम हैं। मंदिरों के प्रवेश की क्या बात है, आज हम मैं कई स्थानों पर देख रहा हूँ कि महिलाएं वेदाध्ययन करती है, महिलाएं पौरोहित्य करती है, महिलाएं सब प्रकार के धार्मिक कृत्य करने में आगे हैं, प्रवचनकार सन्यासिनी महिलाएं इस देश के अंदर है, तो कहाँ पर किस प्रकार का विरोध है? परंतु कहीं एक अनुचित परंपराएं कहीं पर चल पड़ी है। मैं समझता हूँ कि इस अनुचित परंपरा को समझदारी के स्तर पर संवाद के द्वारा, विचार विमर्श के द्वारा उसको दूर किया जाना चाहिए, न कि कानून का डंडा चलाए। तो बड़ी बात यह है, आपको बता दें कि एक बड़ा बदलाव हो चुका है। आरएसएस की बात की जाए तो आरएसएस के यूनिफॉर्म में एक बड़ा बदलाव हो गया, अब खाकी पैंट की जगह हाफ पैंट की जगह आप देखेंगे कि ब्राउन कलर की एक फुल पैंट जगह ले लेगी, जो बातें कही भैया जी जोशी ने, यह एक महत्वपूर्ण बात। इसके अलावा और समसामयिक विषयों पर जो सवाल पूछे गए उसके जवाब भी दिए हैं भैया जी जोशी ने।
एक छोटे से ब्रेक ले हम रुक रहे हैं, हमारे साथ तमाम खास मेहमान भी जुड़े हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। देखते रहिए एबीपी न्यूज। आयोजन करके जो बातें बताई गई आपको बताएं, स्वयंसेवकों की हाफ खाकी भूरे रंग की फुल पैंट में अब तब्दील हो चुकी है, ये एक बड़ा निर्णय लिया गया। जेएनयू में देश विरोधी वातावरण पनपने किसने दिया, ये सवाल पूछा है भैया जी जोशी ने। कांग्रेस ने अज्ञानता में आरएसएस की तुलना आतंकी संगठन आईएस से की, गुलाम नबी आजाद का जो बयान था उस पर भी प्रतिक्रिया जाहिर की है भैया जी जोशी ने। आरएसएस आज सर्वोच्च स्थिति में है, पिछले एक साल में संघ की 5,500 शाखाएं खुली हैं, एक साल में 135,000 युवाओं ने ट्रेनिंग ली, ये बात भी कही है भैया जी जोशी ने। तो क्या कुछ बड़ी बातें निकलकर सामने आ रही है आरएसएस की बैठक से, पांच बड़ी बातों का हमने आपसे जिक्र किया। और यूनिफॉर्म से मुतल्लिक क्या बातें कही भैया जी जोशी ने, क्यों ये बदलाव किया गया, क्या है ये बदलाव, सुनिए। कि जो ध्यान में आता है, हमने परिवर्तन तो छोटे छोटे हमेशा होते रहते हैं, तो हमने इस बार खाकी शॉर्ट जिसको खाकी हाफ पैंट कह सकते हैं उसकी जगह पर एक ब्राउन कलर की फुल पैंट को हमने अपने गणवेश का हिस्सा बनाया है। तो एक खाकी नहीं, ब्राउन कलर की है। अब सामान्य जीवन में फुल पैंट चलती है तो हमने उसको स्वीकार किया, हम समाज के साथ चलने वाले लोग हैं, कोई हमें कोई संकोच नहीं उसमें। 1925 में आरएसएस की स्थापना हुई, 91 सालों का ये जो सफर रहा, इस दौरान ये खाकी निकर एक लिहाज से आरएसएस कार्यकर्ताओं की पहचान रही। ये एक बड़ा बदलाव है जिस तरीके से उसका रंग बदल दिया गया है और अब हाफ पैंट की जगह फुल पैंट में आपको नजर आएंगे आरएसएस के कार्यकर्ता। इस पूरे मसले पर हम बातचीत करेंगे, कई खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मैं आपका तारुफ करवा दूं। मेरे साथ अरविंद मोहन जी यहां पर जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार, प्रोफेसर अजनिवेश अवस्थी हमारे साथ, आरएसएस के विचारक मौजूद हैं और हमारे सहयोगी विजय विद्रोही भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अरविंद जी आप ही से एक टिप्पणी चाहूंगा, ये कितना बड़ा बदलाव है, मैं यूनिफॉर्म की पहले बात कर रहा हूं। बड़ा बदलाव तो है ही, लेकिन मुझे लग रहा है कि बाकी चीजें नहीं बदली हैं, वो भी खबर है कि शर्ट वही रहेगी, बेल्ट वही रहेगी और उस सबके ऊपर डंडा वही रहेगा, डंडे में कोई बदलाव नहीं हुआ है। तो संघ अभी भी अगर डंडा युग रखता है तो क्यों रखता है, क्या रखता है, ये है। लेकिन इसके बावजूद मैं कहूँगा कि अगर बदलाव वहाँ होता है और बाहर की चीज़ें देख के बदलने को तैयार हैं तो ड्रेस के साथ बाकी चीज़ें भी बदलनी चाहिए। हिंदुस्तान एक डाइवर्स देश है, जितनी डाइवर्सिटी मुल्क में है, 90-95 साल में अगर संघ को ये लग रहा है कि अभी भी विचार के लेवल पे उसमें बदलाव न किया जाए तो वो भी ज़रूरत है, उस पर भी संघ को विचार करना चाहिए, सिर्फ ड्रेस नहीं बदलना चाहिए। अच्छा अवस्थी जी, मैं आपके पास आऊँ से पहले विजय विद्रोही आपसे इस पर एक टिप्पणी चाहूँगा, चूँकि आप मुस्कुरा रहे थे जब अरविंद जी ये बातें कह रहे थे। नहीं, मैं इसलिए मुस्कुरा रहा था कि ये कह रहे थे कि बाकी चीज़ें नहीं बदली और खासतौर से डंडा नहीं बदला, तो डंडा का विकल्प क्या हो, ये मैं अरविंद जी से जानने की कोशिश कर रहा था। मुझे लगता है कि जो संघ की जो अभी गणवेश था वो उनका एक तरह से पहचान बन गया था और संघ को लगा होगा कि इसमें आमूलचूल परिवर्तन करके उस पहचान को लेकर किसी तरह का कोई खतरा, कोई जोखिम या कोई एक इस तरह की चीज़ शायद नहीं उठाना चाहता रहा हो। पहले बात आ रही थी क्या नीली पेंट हो जाएगी, नीली पेंट यानी कि दलित वोट बैंक पर सेंध मारने की कोशिश, उस बहाने, ड्रेस के बहाने। और संघ को भी लगता है, बीजेपी को भी लगता है कि जब तक दलितों का वोट बैंक उनके हिस्से नहीं आता है तब तक इस तरह की राजनीति, जो चुनावी राजनीति है, उसमें बहुत ज़्यादा सफलता हर बार पाने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर परिवर्तन करना था तो कुछ ज़्यादा परिवर्तन करते, ये एक प्रतीकात्मक परिवर्तन बनकर रह गया है। और फिर मैं कहूँगा कि अपनी पहचान को इस रूप में जो बनाया हुआ है या फिर गणवेश के प्रति जो लोगों का समर्पण है, जो उनका आदर है, वो उनका एक रहा होगा कि इसमें अभी बदलाव ठीक नहीं रहेगा। और निजेश जी, आपने सुना हम, लेकिन जो बातें यहाँ पर विजय कह रहे हैं या अरविंद जी ने जो बात कही, लेकिन एक सवाल ये है कि आखिर ये बदलाव क्यों किया गया और बदलाव क्या सिर्फ प्रतीकात्मक बदलाव है जैसा यहाँ पर विजय कह रहे हैं? अखिलेश जी, इस देश में बहुत बड़ी चर्चा हो रही है कि बोलने की आज़ादी, अभिव्यक्ति की आज़ादी, तो मुझे लगता है कुछ भी पहनने की आज़ादी भी है। नहीं, कुछ भी कहाँ पहन सकते हैं, कुछ भी पहनने की आज़ादी है। मैं उसी पर आ रहा हूँ। मुझे लगता है कि एक स्वयंसेवी संगठन, विश्व का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन है, उसके बाकी सारे जो उसकी गतिविधियाँ हैं उस पर कभी संघ में चर्चा नहीं होती। वनवासियों के बीच में क्या काम कर रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में क्या काम कर रहे हैं, मजदूरों के बीच में क्या काम कर रहे हैं, सेवा बस्तियों में क्या काम हो रहा है, इसके बारे में कहीं कोई, मैं ये नहीं कह रहा कि संघ चाहता है कि ये चर्चा हो,
बिल्कुल भी नहीं। लेकिन अगर इस पर चर्चा हो सकती है और एक दो दिन पहले से इस बात की संभावना को लेकर के अखबारों में, मीडिया में, आप लोगों के पास सभी चैनलों में इस बात पर चर्चा होती है, तो मुझे लगता है कि इस बात पर चर्चा क्यों नहीं होती कि नहीं, आपको क्या नजर आ रहा है बड़ी बात जो आप जिस चर्चा की तरफ इशारा कर रहे हैं? नहीं, नहीं, क्या बड़ी बात? मैं यही दो बातें बताइए। मैं यही कह रहा हूँ कि मंथन हुआ हो। मैं ये कह रहा हूँ कि आप ये बताइए कि क्या ये इतनी बड़ी बात है? मतलब संघ की गतिविधियां क्या है? वो कहते हैं हमारा देश परम वैभव को प्राप्त हो, इस पर चर्चा नहीं होगी कभी। लेकिन अगर एक नेकर से लेकर के फुल पैंट की बात आई है, जो एक बहुत ही सामान्य सी बात है, इसमें कोई लेकिन 9 दशक लग गए ना इस बदलाव में। अच्छा, मतलब जिस दिन शुरू हुआ था उस दिन से ये तय हुआ था कि हम बदलेंगे, है ना? 9 दशक लग गए हाफ पेंट से फुल पेंट आने में। आप कह रहे हैं कि जिस दिन ये तय हुई थी उस दिन से ये तय हो गया था कि इसको बदलना है और 9 दशकों बाद बदली। नहीं नहीं, अभी जो वो वाली बात नहीं, अभी जो बात हो रही है, तो अभी आपको लगता है कि ये जो अगर ये बदलाव नहीं भी होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये जानना चाह रहा हूं। ये सचमुच है, ये जो लोग संघ को नहीं जानते, संघ की कार्य पद्धति को नहीं जानते, वो लोग उन लोगों के लिए बहुत बड़ी बात होगी, उन लोगों के लिए सचमुच ये बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन जो संघ की कार्य पद्धति को जानते हैं, वो जानते हैं कि बहुत ही सामान्य बात है, बहुत ही सामान्य बात है। गणवेश एक निश्चित गणवेश हो ये तय है, लेकिन उस गणवेश में क्या परिवर्तन होना है उसके लिए कोई बहुत बड़ी, इसमें आपको आपको लग रहा है कि 90 साल लग गए ये निर्णय लेने में। ये जो मानसिकता है ना, ये जो विश्लेषण है ना, ये जो विमर्श है ना, ये विमर्श बिल्कुल ऐसा है जो संघ को नहीं जानते। नहीं नहीं, चलिए हम इसको बात को बदल दे, 90 साल लग गए नहीं, 90 साल बाद हुआ ये कर दे। नहीं 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 नहीं, बीच में कितनी दफे सीरियस चर्चा हुई है इस बात पे कि इसको बदला जाए और हाफ पैंट पहनना खासतौर से बड़े लोगों का, मोटे लोगों को, उनको सूट नहीं करता, कुछ भारतीय पोशाक पहनी जाए, धोती अपनाया जाए। ये चर्चा संघ में एक बार नहीं हुई है, मेरे ख्याल 50 बार ये चर्चा हुई है मुझे लगता है। और बीच में एक दफे तो ये था कि चड्डी को हटाना ही हटाना है, तो उस समय बल्कि नवार टाइम, ये सन टाइम्स हमारा जब बढ़िया हेडिंग के लिए जाना जाता था, उस समय बजाबता इस डिस्कशन के बाद उसने शीर्षक लगाया चड्डी नहीं उतरी। और ये आज भी जो पुराने लोग हैं उनको ये शीर्षक याद है, क्योंकि ये शीर्षक भी आकर्षक था और ये डिबेट भी आकर्षक थी। अरविंद जी, आप स्वयं पत्रकार हैं, आप ये बताइए कि आपको ये शीर्षक बहुत आकर्षक लग रहा है? जो शीर्षक बहुत आकर्षक लग रहा है आपको? नहीं नहीं, चड्डी नहीं, नहीं आपने कहा, आपने नहीं, अगर आपने यहाँ पर एक वक्तव्य दिया कि शीर्षक बहुत आकर्षक भी था, जब सारी बहस इस चड्डी नहीं उतरी, चड्डी नहीं उतरी, जब सारी बहस, इसको आप डिफेंड भी कर रहे हैं, सारी बहस डिफेंड भी कर रहे हैं कि शीर्षक बहुत आकर्षक था। मैं आपको बताता हूँ, चड्डी बदल दी जाए। अरविंद जी, मेरी बात, अरविंद जी, सांदे टाइम्स पता किस बात के लिए जाना जाता था? धर्मेंद्र के कार के पास खड़ा था, पुलिस बोली तू चोर है, अखिलेश जी, ये एक खास मर्जी संघ की आलोचना कर लीजिए, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते, ये मजबूरी है, ये व्यवस्था है। मैं आपको बताता हूँ कि अगर आज मान लीजिए हाइपोथेटिकली सोचे कि ये निर्णय नहीं होता, तो आपकी क्या होती? चलिए, आखिरकार एक बार फिर संघ में मुझे नहीं हो पड़ेगा, वापस लौटेंगे तो बाकी पहलुओं की भी चर्चा करेंगे कि इस बैठक से क्या बातें निकलकर और सामने आई हैं, और खास तौर पर जेएनयू के बारे में जो बयान दिया गया है, सवाल ये पूछा गया कि आखिर इस तरह की विचारधारा वहां पर है।